सो हेलो गाइस, कैसे हो? तो आप सभी का स्वागत है हमारी इस चैनल फैजल आलम ऑफिशियल में। सो गाइस, आज की वीडियो यूज़फुल होने वाली सभी रियलमी प्लस ओप्पो डिवाइस यूजर्स के लिए, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 3 मोस्ट यूजफुल सेटिंग्स जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं अपने किसी भी ओप्पो डिवाइस प्लस रियलमी के डिवाइस के अंदर। तो गाइस, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है आप सभी के लिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आती है। और साथ ही साथ में अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो को बिल्कुल देखना, एकदम एंड तक देखना, अदरवाइज अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो सो बिना टाइम को गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास ओप्पो A3s डिवाइस है, तो इसी के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिक के बारे में। तो गाइज़, आपको सबसे पहले आपको सेटिंग के अंदर चले जाना है, जो कि गाइज मैं पहले आपको सेटिंग बताने वाला हूँ या फिर ट्रिक बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पे आने के बाद गाइज आपको एक्सेसिबिलिटी का एक ऑप्शन देखने को मिलने वाला है आपको अपने डिवाइस के अंदर। तो गाइज जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं आप सभी को एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के अंदर। बट गाइज यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर देखने को मिलने वाला है आपको, या फिर ट्रिक कह सकते हो। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं नीचे के साइड में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलने वाले जिस पे लिखा हुआ है पावर बटन एंड कॉल। गाइज अगर आप इसे इनेबल कर देंगे तो अगर आपकी कोई सी भी कॉल आती है, अगर आप उससे बात कर रहे होंगे और उसी के मतलब दौरान अगर आप कॉल को कट करना चाहते हैं तो आप सीधा पावर बटन को एक बार प्रेस कर दें, तो उसके बाद जो होगा आपका जो कॉल होगा वो बिल्कुल कट हो जाएगा। तो गाइज ये फीचर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर करना। और गाइज अगर हम यहाँ सेकेंड फीचर की तरफ बढ़ते हैं, सो गाइज जो सेकंड फीचर होने वाला है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल फीचर हो सकता है आप सभी के लिए, जिसे अगर पता होगा तो उसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, बट जिसे पता नहीं है उन्हें ये जो फीचर है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो सो गाइज जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो कभी कभार होता है जो हमारे मैसेज आते हैं वो स्लाइड होते नहीं हैं, तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा कलर OS है इसके अंदर कोई सही मैसेज स्लाइड नहीं होता है और हम परेशान हो जाते हैं। कोई भी काम करते हैं तो उसके बीच में कोई मैसेज आता है तो हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो भी क्लियर होता भी नहीं है। तो गाइज उसके लिए करना क्या है, जैसे कि देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर मैं यहाँ पे अपने फ़ोन से दूसरे फ़ोन से यहाँ पे मैसेज भेजूंगा, और जैसे गाइज आप इसे ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे तो ये इजीली स्लाइड हो जाएगा। तो गाइज यही कुछ मतलब एक ट्रिक है जिसकी मदद से आप नोटिफिकेशन को स्लाइड कर सकते हैं। तो गाइज ये प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कलर OS वालों की एक नई मतलब न्यू मैथड कह सकते हैं, या फिर न्यू वे है इनका नोटिफिकेशन को स्लाइड करने का। तो गाइज जस्ट आपको सिर्फ ऊपर की साइड इसे स्लाइड कर देना है। और गाइज हम यहाँ थर्ड फीचर की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज यहाँ जो थर्ड फीचर होने वाला है वो भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। तो गाइज इसे यूज़ करने के लिए आपको दोबारा एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद गाइज आपको दूसरी सेटिंग सेलेक्ट करनी है जिसका नाम है डिवाइस एंड प्राइवेसी। तो गाइज जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे जो आपको जो फर्स्ट वाला फीचर देखने को मिलने वाला है जिसे कहते हैं स्मार्ट लॉक। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले तो आपका होम स्क्रीन का जो लॉक होगा उस लॉक को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो यहाँ पे मैंने अपने एंटर या फिर मैंने पैटर्न को एंटर कर दिया है। उसके बाद गाइज यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। तो गाइज जो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है उस पर लिखा हुआ है कि बॉडी डिटेक्शन स्मार्ट लॉक। तो गाइज आपको इससे करना क्या है, मतलब इससे होता है क्या, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। गाइज जब आप इस सेटिंग को इनेबल कर देंगे उसके बाद गाइज अगर आपके फोन में आपका मतलब जब आपके हाथ में जब आपका फोन रहेगा तो आपका जो डिवाइस में लॉक है वो सारे डिवाइस के लॉक रिमूव हो जाएंगे, मतलब लगे तो रहेंगे बट आपको ऐसा लगेगा कि वो रिमूव हो चुका है अगर आपके पास आपका फोन रहता है। तो गाइज जैसे मैं आपको करके दिखा देना चाहता हूँ, जैसे मैं अपने फोन को यहाँ पे ऑन करूँगा तो गाइज अपने आप ही बहुत जल्दी यहाँ पे जो हमारा फेस लॉक अनलॉक हो जाता है, ऐसा लगेगा जैसे कि आपने इसके अंदर कोई लॉक लगा ही नहीं रखा। और उसके बाद गाइज यहाँ पे अगर आप इसके अंदर व्हाट्सअप के अंदर भी कुछ मतलब व्हाट्सअप में कहीं भी आपने लॉक लगा रखा है अगर आप इसे ओपन करते हैं तो एकदम फास्टली ये वर्क करने लग जाता है। तो गाइज आपको कुछ ऐसा लगने वाला है कि आपने मतलब आपने इस फोन के अंदर कोई लॉक नहीं लगा रखा। उसके बाद गाइज अगर कोई भी दूसरा बंदा आपके फोन को यूज़ करता है तो वो इसे यूज़ नहीं कर पाएगा, मतलब किसी भी मतलब इस लॉक को ओपन नहीं कर पाएगा। और गाइस मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे स्क्रीन को बंद किया और चालू किया तो देख सकते हैं यहाँ पे लॉक का ऑप्शन आने लग चुका है, और जैसे मैंने अपना फेस सामने किया तो ये ओपन हो चुका है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि गाइस ऐसी वीडियोस आपको सिर्फ इसी चैनल पे देखने को मिलने वाली है ओप्पो एंड रियलमी से रिलेटेड। सो वीडियो को मैं इतना ही, और टिल देन गुड बाय।